एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूं कि कॉमेडी 58 पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज विन, पाकिस्तान जीत गया था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के बारे में। क्रिक कॉमेडी है ये, एशियस 2021। चलिए देखते हैं किसी भी है क्या कहते हैं इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। जो भी दोस्तों, बड़ी जबरदस्त किस्म के दो टेस्ट मैचेस हो गए हैं। एक हुआ इंडिया और न्यूजीलैंड का, जिसके अंदर बहुत ही मजे की चीजें हुई, और दूसरी चीज हुई है वो हुई है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में। और पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले का, क्या जबरदस्त किस्म का मैच हुआ। ये होती है किलर इंस्टिंक्ट, जिसके अंदर डेढ़ दिन के अंदर मैच जो है वो खत्म करके ओ पे आ जाना। सुना कि पाकिस्तान जो है वो हिस्ट्री की सबसे पहली टीम बन चुकी है जिसने लास्ट डे यानी कि डे 5 के ऊपर 13 विकेट्स लेकर मैच जीत लिया। मतलब आधा मैच जो है वो बारिश की नजर हो गया था, पूरा ग्राउंड वो सैलाब के अंदर डूबा हुआ था, शार्क मछलियां फिर रही है, ऑक्टोपस जो है वो बॉलिंग करा रही है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। बाकी जो रात आज जितना भी मैच बच गया था वो सारा का सारा नजर हो गया था बैड लाइट का। मतलब यार समझ ही नहीं, पता नहीं कौन सी लोड शेडिंग होती है इस मुल्क के अंदर। 3-3 बजे तक जो है बारिश होती रहती है, 3:30 बजे से आगे जो है वो लाइट ही गायब हो जाती है। बस इंडिया बॉलिंग नहीं करा सकते, फास्ट बॉलर्स बॉलिंग ही नहीं करा सकते। पाकिस्तान अपनी जो स्ट्रेंथ है यानी कि हसन अली और शाहीन, जो कि साल के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में शुमार होता है उनका, उनको यूज ही नहीं कर सकता था। सिर्फ स्पिनर से ही बॉल करा सकते थे क्योंकि वो उनको नजर नहीं आ रही। भाई शाहीन शाह अफरीदी की बॉल तो वैसे ही किसी को नजर नहीं आती है, तो क्या उसको बैन कर देंगे यार? ये अजीब बकवास है यार, बेचारे स्पिनर्स के ऊपर जोर सारा दिया हुआ था। पूरा हमारा जो वेनम था बॉलिंग का वो हम यूज ही नहीं कर सके, वो हमसे निकाल दिया गया था। फिर भी बॉयज जो है वो जीत गए, डेढ़ दिन के अंदर मैच खत्म हो गया जाता यार। कमेंटेटर्स हमारे जो बायस किस्म के थे यार, वो फिर उसी तरह रिवायत को बरकरार रखे, कहते हैं क्या फाइट बैक की, क्या फाइट बैक की बांग्लादेश ने, भाई कौन सी फाइट बैक की है? डेढ़ दिन आप लोगों ने सर्वाइव करना था, वो आपसे हुआ नहीं। फॉलो ऑन करके पहले बैठे, पहले तो पहली इनिंग्स के अंदर आप बिल्कुल ही लेट गए, कुट खा के पता नहीं क्या, 10 मिनट के अंदर 10 विकेट इनकी आउट हुई भी थी। उसके बाद पूरे दिन के अंदर आपने 13 विकेटें बचानी थी, आप वो भी नहीं बचा सके यार। मतलब हद होगी, इसमें कौन सी फाइट है? फाइट तो सिर्फ कर रहा था पाकिस्तानी टीम जो कि आउट करने के पीछे पड़ी हुई थी। इनको पड़ी हुई थी यार, हमारे पास पीछे कोई 14-1 मिनट पड़े हुए हैं पूरे जो टेस्ट मैच था उसके अंदर। 14 मिनट के अंदर ही पूरी टीम को आउट करना, पता नहीं क्या कुछ करना है, क्योंकि पहले तो कुछ हुआ ही नहीं था। एक इनिंग्स खेली है, वो भी बेचारे राम राम से पहले खेलते तरह में पूरा का पूरा वॉश आउट ही हो गया था। तो सारी की सारी फाइट तो पाकिस्तानी कर रहे थे। वो लेडीज जो है ना, वो ये सारी लेडीज हर जगह पे इसी तरह होती हैं, हम अपनी मस्ती में आग लगी बस्ती में पिक्चर्स खींच रही है, बनाओ सिगार करके पूरा ईद मिलन पार्टी के लिए आएंगे, अपनी खींच रही है। और कमेंटेटर साहब जो वो भी कह रहे हैं कि टाइम फॉर सम स्नैप्स, इसलिए तू ही खड़ा हो जा बीच में यार, तू जितना मस्त आदमी है ना यार, ये कमेंटेटर कौन है भाई, इनको मैं कहता हूँ इनसे मुझे मिलवाओ। वैसे जो भी बात हो, मैं यार स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा जो ग्राउंड स्टाफ होता है बांग्लादेश के अंदर, यार ये क्या बेहतरीन किस्म के लोग हैं। ये इतना पानी खड़ा हुआ, बच्चे जो है वो डूब गए, उनको सांस नहीं आ रहा, 3 फुट के नीचे इतने बच्चे थे ना, पूरी पॉपुलेशन थी वो नहीं थी बांग्लादेश के अंदर, इतना पानी जमा हुआ था। लेकिन यार ये 10 मिनट के अंदर पूरा ग्राउंड जो वापस सुखा देते हैं, वो इंग्लैंड के अंदर मेरे ख्याल में थूट जितनी बारिश होती है, और आउटफील्ड हमेशा उनकी गीली रह जाती है, कोई आउटफील्ड सुखाने का उनके पास आला नहीं है पिच को, फिर भी वो बुरका शुरका पहना के उसको बचा लेते हैं। आउटफील्ड बैट, आउटफील्ड बैट, इंग्लैंड जैसे जो क्रिकेट के इतने बड़े बादशाह बनते हैं, उधर ये हालात में बांग्लादेशी मेरे बॉयज जो है यार, ये करके 2 मिनट के अंदर सारा पानी ये फुप करके निकला, बहुत है बिल्कुल निचोड़ देते हैं ग्राउंड को। टर्निंग पॉइंट तो ये था जिसके अंदर लास्ट डे के ऊपर बिफोर टी जो ये रन आउट हुआ था बॉय, इसके अंदर भी जो ना कमेंटेटर्स यही कह रहे थे कि ये जो है ना इसका बैट की जो पिछला एंड है वो ग्राउंडेड है, तो ये बच गया भाई। फिर उससे पहले जो है मैच जब कॉल्ड ऑफ हो गया था, तो उसके अंदर जो है पूरी दुनिया रोने रो रही थी, सिर्फ एक बंदे को मस्ती सूझ रही थी, वो थी शाकिब। ये चेक करेंगे इसने हरकत क्या की जब इसको पता चला कि मैच बंद हो गया था, बारिश हो रही, सुपरमैन बन के जो ना पल्सेटियां खा रहा है बिल्कुल पानी के अंदर। अगर वैसे आप उसकी बात है, मुझे मौका मिला मैं भी इसी तरह करूं, पेट के बल में स्पीड गोली की तरह निकल रहा था, पूरा पेट इसका वैक्स हो गया, सारे के सारे बाल जो है वो छन्नी हो गए, क्योंकि इतनी जबरदस्त किस्म की इसने रगड़ जो खाई जमीन के ऊपर। पूरे मैच के अंदर वो मेरा बॉय साजिद तैयारी, बहुत गर्मी लग रही थी, ऊपर से माशाल्लाह जो है वो चमक भी बहुत ज्यादा रहे थे, ह्यूमिड जो है ना ये मौसम जो था मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन बॉय ने क्या यार कुछ जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है, 12 विकेटें ले ली, 8 विकेटें ली थी इसने पहली इनिंग्स के अंदर, वो जो उधर एजाज पटेल ने किया था ना 10 वाला, वो करने लगा था ये बीच में, एक हसन रन आउट कर लिया था, नहीं तो ये तो आराम से जो है वो 8 आउट थे उसके अंदर, 7 विकेटें इसकी थी। अगली इनिंग्स में भी आगे वो 4 विकेटें लेके चला गया, 12 विकेटें ली मेरे शेर के बच्चे ने, ये मेरा बात। वो एक और भी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसके अंदर आबिद अली जो है हमारे ओपनर बैट्समैन जो है, उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग भी की है वैसे बाय द वे, उन्होंने जाकर एक बिल्ली को खाना खिलाया। लोग बड़ी सी तारीफ करेंगे, बेजुबान जानवर का ख्याल रखते थे, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं, ये भी हो सकता है कि इसको शक हो कि यार ये इनसे तो हमें हराया जा नहीं रहा, तो इन्होंने जरूर मेरे खाने के अंदर कोई जमाल घोटे जैसी चीज मिला दी होगी जिसकी वजह से मेरे पेट को जुलाब लग जाएंगे। तो इसने पहले टेस्ट करने के लिए पहले बिल्ली को खिलाया, बिल्ली को देखेंगे इसके मुंह से झाग निकल रही है कि नहीं निकल रही है, उसके बाद उसकी आंखें फिरेंगी कि नहीं फिरेंगी, तब जाके इसने जाके खाया, बड़ा चला के। मतलब बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, देखो तो आप जब अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना। हमारे दोस्त हैं बांग्लादेश
स्वदेशी, बट मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, जंग में जो है ना वो सब कुछ जायज होता है। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की जो टीम है वो पाकिस्तान के अंदर आ रही है, उसके लिए जो स्क्वाड अनाउंस हो गया है उसके अंदर सरफू भाई जो है वो बड़े दिल बर्दाश्ता हो गए क्योंकि उनका नाम नहीं आया और उन्होंने, यार तू क्या भाई, तू बंदा है कि तू क्या है यार, तू डब्बा है तू क्या है, ऐसी कोई इमोशनल किस्म की क्वीन है ये। इसने जो है ना जबरदस्त किस्म की ट्वीट करना शुरू हो गई जिसमें पता नहीं क्या कुछ लिख रहा है कि करते हैं मेरी खामियों का तस्करा इस तरह लोग अपने एमाल में फरिश्ता हूं जैसे। परफॉर्मेंस तेरी भाई जीरो है। उधर मुझे लास्ट मैच हुआ था हमारा T20 का इनके साथ बांग्लादेश के साथ, उसके अंदर सारा का सारा मैच जो है इसी ने फंसा दिया था, पता नहीं क्या गंदी इनिंग्स उन्हें खेली, ना तेरे से छक्का लगता है ना तेरे से चौका लगता है। तेरी वजह से तो इसको जगह मिली थी रिजवान को आके, वाके वो जो है पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन एसेट बना हुआ है इस साल के अंदर, तो भाई उसको क्या करें, उसको भी निकाल दें, तुझे रख ली बीच के, तुमने नौकरी ली हुई, तुमने क्या, तू ठेके पे आया हुआ है, तू क्या चाहता क्या है कि तुझे बस टीम में होना ही चाहिए हमेशा। जब इसको बाहर करो इसकी इसी किस्म की रोंदियां जो शुरू होती है, मेरे से ये हो गया मेरे से वो गया बहुत बड़ा जो पत्नी को भी नहीं, इसकी पिक्चर भी वायरल हो रही है, लंबे लंबे बाल हैं, दाढ़ी भी बिछाई हुई है यार, वैसे इंसान का बच्चा लग रहा है मुझे तो बेहतर लगे, तू भाई थोड़ी दाढ़ी शाड़ी रख ले, थोड़े बाल छाल लंबे कर ले क्योंकि ये कटवाई ना भाई। पता नहीं खाला जी का घर समझा हुआ कि बस मुझे कोई टीम से बाहर नहीं निकाल सकता, हर वक्त जो इनको टीम में साथ ले लेके फिर रहे हो भाई, किसी और यंगस्टर को चांस मिलना चाहिए ना, अगर नहीं उससे परफॉर्म हो रहा है तू परफॉर्मेंस दे, तू डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म कर, इन दोनों को खिलाओ भाई, रिजवान को भी खिलाओ, उसको भी खिलाओ, दाओ तू परफॉर्मेंस दे रहा है भाई, ऊपर से टीम के साथ लेके जो मैंने झूला खाना है, मैंने झूला खाना बस कर दे भाई। क्वेटा ग्लैडिएटर्स में जो जितनी बुरी तरह से एक्सपोज हुआ था वो तो पता नहीं तेरी किस्मत अच्छी थी कि बीच में PSL रुक गया था और फिर बाद में एंड में किसी ने गौर ही नहीं किया कि पीछे करके क्या है हरकतें, इसका बस चले तो ये तो कह रहे कि टीम में अंदर दो कीपर ही खिला दिया करो, एक जो है वो ऑफ स्टंप के बाहर खड़ा हो, दूसरा लेग स्टंप के बाहर खड़ा हो, पता नहीं यार जी तूने खालिद जी का घर समझा भाई, बस कोटा सिस्टम है जी, मेरी सीट जो है वो पक्की होनी चाहिए। फिर बड़ा शुक्र है कि बाबर आजम की फॉर्म जो है वो वापस आ चुकी, मैं तो डर गया था इसने ये बात दिल पे ना ले लियो कि ये सिर्फ छोटी टीम्स के ऊपर परफॉर्म करता, उसने कहा मैं आज के बाद किसी छोटी टीम के ऊपर स्कोर ही नहीं करूंगा, सिर्फ बड़ी टीम्स के ऊपर ही करूंगा भाई। नहीं मुझे ये बताएं जो लोग कहते हैं कि छोटी टीम के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, छोटी टीम उसे क्या आपके लेजेंड नहीं क्रिकेट खेलते, वहां पर क्यों नहीं उनके रिकॉर्ड फिर 200-200 क्यों नहीं मार रहे होते, अगर इतने बड़े लेजेंड होते हैं, हर तरह का क्रिकेट हो रहा होता है उसमें कभी छोटी टीम होती है कभी बड़ी टीम होती है। सबसे बड़ी जो एज होती है ना वो होती है होम ग्राउंड की, होम का जो मौसम होता है ना उसकी बहुत बड़ी एज होती है। आप जरा आ जाएं यहां पर गर्मियों के अंदर किसी गोरे को लेके आ जाएं, उसकी आधी गेम तो गर्मी की मौसम की वजह से ही फट जाता है, लेके आ रहे होते हैं उनके पहले तो पिचों की समझ नहीं आ रही, क्राउड की कुछ समझ नहीं आ रही, वैसे ही घर से बाहर आए में कुछ समझ नहीं आ रही थी, उसके बाद मौसम भी ऐसी गर्मी होना उसके अंदर तपिश के अंदर वो उनको तो मार मार के 700 रन पड़े जो बहुत बड़े लेजेंड बने हुए हैं, उधर जो इंग्लैंड में बादलों की वजह से सीम शीम हो रही थी विदरा के कर लिया, सबसे बड़ा एडवांस तो होम क्राउड का होता है, वो भी तो आप देखा कि उनके उस पर बात कर रहे हो कि सिर्फ होम ग्राउंड के ऊपर ही खेलना है। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि आप होम ग्राउंड के ऊपर जो किसी बॉलर को चार चौके मार देते ना तो उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आप अवे पे भी उनके पास जाना तो आप कहते तू तो मेरा बच्चा लगता है भाई, कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत ऊपर हुआ होता है होम ग्राउंड की वजह से। खैर जो भी हो असल टर्निंग पॉइंट मेरे दोस्त बाबर अली ने फिर किया था जिसके अंदर जो है यार मैं कहता दूसरा ओवर करा रहा था और सबसे इंपॉर्टेंट विकेट लेके चला गया और इतनी सेंचुरियां मार दी, इतने रिकॉर्ड बना दी, उसकी इतनी कभी खुशी नहीं दिखाई होगी जितनी आउट करने पर इसने खुशी खराब हुआ तो कहा कि हम ऐसा करते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर ही जो है वन टू वन हैंड खेल लेते हैं, ये वीडियो चेक करने में हमें पीसीबी वाले शेयर की है। चीटिंग चीटिंग रीप्ले इमाम मेरा दोस्त है वो इधर भी रो रहा है इम्मी इम्मी यार, ये जो इस किस्म के रोंदू लोग होते हैं हमेशा गली के अंदर होते हैं जो आके ना रोला डाल देते हैं मैं नहीं वोट में नहीं वोट, और बाकी लोग जो है कहते हैं यार अच्छा भाड़ में जाए हमारा सर ना खा तू दूसरी बारी भी ले ले। अगर ऑन फील्ड अंपायर के जो है इस तरह कन्विंस किया जा सकता होता है यहाँ पे जो असल क्रिकेट होती है उसके अंदर भी रोंदी वाली गेम होती तो खुदा की कसम से कभी भी आउट नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ इंडिया और न्यूजीलैंड का भी मैच हुआ था वो भी दो दिन के अंदर ही खत्म हो गया था लेकिन उनके पास फिर भी पूरे 5 दिन पड़े हुए थे। मैं तो कहता कि हमारी जो यहाँ पे बारिशों की वजह से जाया होता ना हमें उधर बुला रहे थे यार बाकी के जो दिन वो यहाँ पे गुजार लो तुम लोग मैच कर लो क्योंकि वैसे ही 5 दिन की तो ग्राउंड बुक हुआ था लेकिन उन्होंने भी यार मैं कहता हूँ लताड़ लताड़ के मार दिए न्यूजीलैंड वालों को। सबसे बड़ा जो दुख हुआ ना वो एजाज पटेल की वजह से, बेचारे ने मासूम ने 10 विकेटें ली हैं एक इनिंग्स के अंदर, इतना बेहतरीन किस्म का रिकॉर्ड बनाया है, पूरे 2 दिन वो बॉलिंग कराता रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 विकेटें मासूम ने ले ली है, उसके बाद कोई 3 मिनट के बाद दोबारा उठ गई दोबारा बॉलिंग आ गई उसको फिर बॉल पकड़ा दी यार तू दोबारा इनको आउट कर 50 ओवर्स कराए बेचारे ने 10 आउट करने के लिए 50 ओवर मतलब पूरी ओडीआई की इनिंग उसने खेल ली है और उसके बाद बेचारा भी लेटा ही था ये आराम से जूते उतारे टांग जो है ना मतलब लंबी की है कि तरह में पता चला कि भाई तुम्हारी बैटिंग भी आ गई। अच्छा इससे फिर उम्मीद भी हो रही थी क्योंकि पूरी कीवी लाइन अपने कोई बैटिंग नहीं की थी इसी मासूम पे आगे कि यार तूने अभी 10 विकेट तो ले लिए तू 200 रन भी मार ले, बेचारा नॉट आउट रहा है दोनों इनिंग्स के अंदर नॉट आउट रहा है लेकिन बड़ा मुझे दुख हुआ यार इस मासूम को थोड़ा सा तो एंजॉय करने देते। 10 विकेटें लेना कोई छोटी बात नहीं है जो इसने एक इनिंग्स में ले लिए, ना सिर्फ इसमें बॉलर का कमाल होता है बल्कि दूसरा कमाल ये भी होता है कि आपकी बाकी
टीम है ना उसकी गंदी परफॉर्मेंस भी चाहिए होती है कि उन मनुष्यों से एक भी विकेट ना ली जाए और आप 10 की 10 लेके चले जाए। और ये फर्स्ट बॉलर है जिसने अपनी होम कंडीशंस में नहीं बल्कि अवे कंडीशंस के अंदर जाके 10 विकेट ली, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वही अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि होम ग्राउंड का जो एडवांटेज है ना वो कोई चीज मैच ही नहीं कर सकती। वैसे बॉन तो ये भी जो है वो मुंबई का ही है, तो मुझे नहीं पता कि इसका होम ग्राउंड है या अवे ग्राउंड है, लेकिन नहीं यार ये ठंडे इलाकों का जानवर है, वहां पर पला बड़ा है। पांडा जो होता है ना वो फिर ठंड में रहने का आदि हो रहा है, उसको बेचारे को अगर इधर रेगिस्तानों में ले हो तो उसने तो भूखे मारे मर जाना है ना। मासूम ने ये मेहनत कर करके सारे आउट किए। वो एक होता है ना ग्रुप प्रोजेक्ट जिसके अंदर सिर्फ एक ही बंदा होता है सारा काम करता था, बाकी सब जो है लेटे होते हैं आराम से, वही वाला काम किया न्यूजीलैंड की पूरी टीम ने। बॉय ने जो है वो एश्विन को बोल्ड किया है और एश्विन जो है वो थर्ड अंपायर के पास जा रहे हैं। यार भाई कौन सा रिव्यू है भाई, ये किस किस्म का रिव्यू, उसको समझ नहीं आया मैंने लेना। अच्छा दूसरे एंड पे जो बैटर खड़ा है उसे भी नहीं पूछा, सीधा ऊपर चला गया मैं रिव्यू करूंगा। वैसे अश्विन ने जो है इसका बड़ा ख्याल किया, इसके लिए पूरी जर्सी भी लेके आए जिसके अंदर पूरे जितने भी टीम के प्लेयर्स जिसने आउट किए थे उन सबके सिग्नेचर्स कराए, उसको कहा कि यार ये अपने घर में ले जाओ और अपनी बालकनी के अंदर टांग देना सूखने के लिए। दूसरी तरफ उसने ट्विटर को भी बोला कि यार ये जो है ना इसका अकाउंट वेरीफाई कर दो क्योंकि इसने 10 विकेटें ले ली हैं। तो ट्विटर ने भी कहा कि ओके यार ओपिया जानदा उसको वेरीफाई भी कर लिया। अश्विन की बड़ी सुनते हैं ये ट्विटर पे। वैसे अजीब अजीब रीजन होते हैं, इधर जो है वो कभी बारिश हो रही है तो कभी बैड लाइट हो रही है जिस वजह से मैच रोक रहा था। उधर सुना है कि पत्नी स्पाइडर कैम वगैरह वो ग्राउंड के बीच में आगे रुक गया था, पत्नी उसके साथ जो है सारे प्लेयर्स लटके भी थे खेल भी रहे थे, ये भी सीन होता जिसकी वजह से गेम ही रुक गई थी। और सबसे बड़ी खबर ये है कि इस जीत के बाद न्यूजीलैंड सेकंड नंबर के ऊपर आ चुकी है और इंडिया की जो टीम है वो नंबर वन के ऊपर दोबारा से आ गई टेस्ट रैंकिंग के अंदर, जो मेरे ख्याल में बिल्कुल राइटली डिजर्व भी है। सबसे बड़ी बात यह जो पिछले टेस्ट मैच के ऊपर भी जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैं यही कह रहा था कि सबसे बड़ा मिसिंग एलिमेंट था इस टेस्ट मैच के अंदर वो ये था कि कोहली कप्तान नहीं था। इस दफा भी जब उसने कप्तानी की उसको पता कि मैं अपने बॉलर्स को इस तरह यूज करना है, उसने मेरा ख्याल में दो दिन के अंदर इनको खड़े नहीं इनको दो दफा आउट कर दिया। और दूसरी बात होती है ये कि जो पहले भी मैच था उसके अंदर पूरा एक दिन था इनके पास, इसके अंदर वो 9 विकेट तक तो गए थे लेकिन वो 9 विकेट तक जानी ही नहीं चाहिए थी गेम, उसके अंदर भी दो सेशन के अंदर इनको आउट कर देना था अगर कोहली होता कप्तान। तो ये बहुत बड़ी इनकी स्ट्रेंथ है जो कोहली की सूरत में इनको मिली भी, अगर हम उनकी बैटिंग को निकाल भी दें तो उसकी जो कप्तानी है वो बहुत ही जबरदस्त है। वैसे जो इसके टीमें हैं दोनों के अंदर पता नहीं बहुत इंटेलिजेंस खेल रहे हैं, तो समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी टीम का प्लेयर खेल रहा है इस वक्त, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर से ज्यादा इंडियन जो है वो खेल रहे हैं इस वक्त। ये पता नहीं एक पिक्चर है जिसके अंदर एक का बाप जो है वो दूसरे का बेटा है, एक का सरनेम जो है अक्षर दूसरे का क्या मन रहा है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अक्सर मैं देख रहा हूं कि अच्छा नहीं ये इंडिया ने आउट किया कि न्यूजीलैंड वालों ने आउट किया। इनको चाहिए कि जो टेस्ट मैचेस होते हैं ना उसके अंदर भी कोई एक छोटी सी पतरी वतरी डाल दिया अपने कलर वाली ताकि समझ आता है अच्छा ये कौन सी टीम जा रही है। दूसरी तरफ एशेज भी है वो भी शुरू हो गए, उसके अंदर मेरा ख्याल में इंग्लैंड की तो हालत खराब होने लगी। वैसे भी बहुत ही अर्ली है इसके ऊपर कमेंट करना, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि पहले दिन जो है वो उनकी हालत खराब हो गई थी। इनफैक्ट जो पहली बॉल थी उसके ऊपर उन्होंने दिखा दिया कि हु इज द बॉस। खैर अगली वीडियो के अंदर मैं इसके बारे में बात करूंगा क्योंकि तब तक ये भी खत्म हो चुका होगा और बाकी भी जो भी मैचेस होंगे उसके बारे में बात करूंगा। आई एम श्योर कि आपको आज की क्रिकेट कॉमेडी की ये एपिसोड जरूर पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो लाइक के बटन को जरूर छू लें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। पाकिस्तान बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जीत गया था, मतलब ऐसे रिकॉर्ड्स बने हैं कि 13 विकेट और एक डेढ़ दिन का मैच में जीत लेना तो वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं ऐसी चीज़ों को कि ऐसे रिकॉर्ड्स बने हैं पाकिस्तान की तरफ से जो कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, रिकॉर्ड्स टूटते भी जा रहे हैं, कई सालों के कई पुराने रिकॉर्ड्स जो हैं वो टूटते जा रहे हैं। पाकिस्तान ऐसी फॉर्म में आ चुका है, बाबर आजम अपनी फॉर्म में आ चुके हैं एंड टीम ऐसी चल रही है कि आगे की सीरीज़ भी मतलब सोच रहे होंगे लोग जिनसे सीरीज़ होने वाली है जैसे कि वेस्ट इंडीज़ वगैरह, तो वो भी सोच रहे होंगे यार इनसे टफ मैचेस होने वाले हैं, टीम ये आसान नहीं है अब, पहले जैसा कुछ सीन नहीं है अब, जो है टीम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है एंड इंडिया के बहुत सही मैचेस हुए हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये आपको वीडियो और आने वाले वीडियोस में क्या देखना पसंद करेंगे कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक करके शेयर करिए, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करिए मेरे साथ ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। थम्स अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।